1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद आज सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखा। तो आखिर क्यों आया 84 दंगा मामले में सज्जन कुमार का नाम, क्या थी इनकी भूमिका, दिखाते हैं आपको। दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को निचली अदालत का फैसला पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दोषी करार दिया था। जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल ने फैसला सुनाते हुए सज्जन कुमार को हत्या, साजिश और भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया था और 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया था। इस फैसले के बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी। विरोधियों के वार के बीच अब सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वैसे देश की सियासत गरमाने वाले सियासतदान ने 70 के दशक में राजनीति में कदम रखा था। सज्जन कुमार ने 1980 में पहली बार दिल्ली से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री रहे ब्रह्म प्रकाश को बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट पर पटकनी देकर सभी को चौंका दिया था। इस जीत के बाद सज्जन कुमार का कद कांग्रेस में काफी बढ़ गया। सज्जन बढ़ चढ़ कर पार्टी की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। इस बीच 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों में सज्जन का नाम सामने आया। आरोप लगा कि दंगों के दौरान सज्जन कुमार ने लोगों को उकसाया था, जिसकी वजह से ही उत्पाती भीड़ ने दिल्ली कैंट इलाके में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी थी। भीड़ को उकसाने के अलावा सज्जन कुमार पर डकैती और सिखों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने के भी आरोप लगे। साल 2005 में सीबीआई ने सज्जन कुमार के खिलाफ 2 चार्जशीट दायर की। सीबीआई ने बताया कि दंगों में सज्जन कुमार और पुलिस के बीच के संबंध खतरनाक थे, लेकिन अप्रैल 2013 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया, जिसके बाद सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां दोषी करार दिए जाने के बाद अब सज्जन कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।